आज बना रही हूँ राखी स्पेशल ऐसी रेसिपीज, एक नहीं दो नहीं कई सारी रेसिपीज जिसे आप त्योहार पे बहुत इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन भाइयों के लिए कुछ चाट या कुछ नमकीन भी ऐसी बनाएं जिसे हम उन्हें खिला सकें, जो आप फटाफट बना सकें, कुछ तैयारी तो पहले ही करके रख सकें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे लिए कॉर्न। कॉर्न इस वक्त सीजन के हैं, उसे फटाफट से छील लीजिए। और दो बॉल करीब कॉर्न है जिसे हम पानी में पहले बॉयल कर लेते हैं। थोड़ा सा नमक और बहुत थोड़ी सी चीनी डालकर जैसे ही कॉर्न बॉयल हो जाए फटाफट उसे ठंडे पानी में डाल दीजिए जिससे इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब पानी से निकाल कर इसमें काफी सारा अच्छी सी कॉर्न फ्लोर और मैदा ऐड कर दीजिए। वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, बस मैं आपको फटाफट बताती जा रही हूँ। तो बस आपको कॉर्नफ्लोर और मैदा लेना है, इसके ऊपर पूरा अच्छे से कोट करना है। कोट करने के बाद फुल गैस पर इसे फ्राई करना है, तब तक जब तक ये गोल्डन फ्राई ना हो जाए। सारे कॉर्न को फ्राई करने के बाद इसका बनाते हैं मसाला। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने कुछ लंबी कटी हुई हरी मिर्च रखी है और थोड़ा सा शिमला मिर्च बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डालें, बहुत अच्छी लगेगी, पर कई बार हम त्योहारों पे ऐसी चीज़ें नहीं खाते तो मैंने नहीं डाली है। इसमें काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 कटोरी मैंने डाल दिया इसमें टमेटो केचप। अब आधा कप पानी में मैंने 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर ऐड किया है, उसको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये बढ़िया सी सॉस बन जाएगी। इसमें अभी मैं और क्या ऐड करने वाली हूँ वो मैं बता रही हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक और नींबू का रस। ये सॉस बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसमें और भी टाइप की सॉसेस डाल सकते हैं, पर ये बहुत ही फटाफट बनेगी, ईजी बनेगी, टेस्टी बहुत बनेगी। अब जो क्रिस्प किए हुए कॉर्न है ना उन्हें ऐड कर दीजिए इसके अंदर और तेज गैस पर इसे फटाफट चला लीजिए जिससे इन सब के ऊपर एक कोटिंग हो जाए। ऊपर से गार्निश कर दीजिए हरे धनिए की या फिर हरी प्याज की। लीजिए सर्व कीजिए भाइयों के लिए बढ़िया सी कॉर्न की चाट। अब चलते हैं एक और चाट बनाने। अक्सर इस चाट को बनाने के लिए हमें चाहिए होती हैं 2-2 छन्नियाँ और फिर उसमें हम मिलाकर बनाते हैं। आज बिना छन्नी के ये चाट बनाएंगे और ये चाट ऐसी है कि सभी को बेहद पसंद आती है। आप देख रहे हैं क्रिस्पी कितनी ज़्यादा है। चलिए सबसे पहले आलू को छील कर पानी में रखते हैं और उस आलू को हम कद्दूकस करते हैं। कद्दूकस करने के बाद उसे 2-4 पानी से हमें बदलना होगा जिससे उसका स्टार्च निकल जाए। लास्ट आपका उसका पानी साफ हो जाए तब तक आप उसका पानी निकाल लीजिए। अब जो पूरा आलू है उसे कपड़े में बांध कर उसका पानी पूरा निकाल दीजिए और अब इसमें मसाले डालने हैं जैसे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, हरा धनिया, इसमें डाल दीजिए थोड़ा नमक जिससे ये फीकी ना लगे और इसमें डालेंगे 6-7 चम्मच कॉर्नफ्लोर। नॉर्मल छोटा चम्मच है मेरे पास तो 6-7 चम्मच डाल दीजिए। अब एक करछी पर आप रख दीजिए जैसे कि गोल शेप में आ जाए। अनइक्वल शेप आना चाहिए साइडों से तो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगी। आप इस तरीके से बड़े तवे पर भी बना सकते हैं, छोटे तवे पर भी बना सकते हैं, फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। आपको छन्नी की भी जरूरत नहीं होगी, अपने आप में ये क्रिस्प हो जाता है और आपस में जुड़ भी जाता है क्योंकि हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं। ये सारी चाट आप पहले ही बना के रख सकते हैं 1-2 दिन पहले। ये गोल्डन फ्राई जब तक हो जाए तब तक इसे फ्राई कीजिए। अब देखिए मैं आपको पैन में भी फ्राई करके दिखा रही हूँ, पैन में भी बहुत बढ़िया फ्राई हो जाएगी ये। और जैसे ही ये लाल होने लगे फिर चिमटे से आप पलटाते जाइए, बस छोटी सी ट्रिक है। आप लाल मिर्च डालना चाहें तो लाल मिर्च भी डाल दीजिए। ये देखिए और बढ़िया कलर आ रहा है नहीं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और मैंने आपको दिखाया ना पीछे मैंने बड़े तवे पर कैसे बनाती जा रही हूँ, तो जैसी चॉइस आपकी, आप बड़े तवे पर बनाएं, आप छोटे पे बनाएं, आप जिस पे भी बनाएं, हाँ बड़ी वाली कढ़ाई में न डालें क्योंकि उससे वो बिखर जाएगा। बस शुरू में आपको चलाना नहीं है। बहुत ही बढ़िया ये क्रिस्पी चाट बनकर तैयार हो गई है। चलिए ये बढ़िया सी चाट को हम सर्व कैसे करें। यहाँ पर भी मेरे पास दही, मीठी चटनी और खट्टी चटनी है।
चटनियों की रेसिपी मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको देखनी है तो मैं लिंक नीचे दे देती हूँ, आप आराम से उन्हें देख सकते हो। एक बड़े से बोल में आप सर्व कर रहे हो या दोने में सर्व कर रहे हो, ये चॉइस आपकी है। मैं बड़े बोल में सर्व कर रही हूँ जिससे क्या होगा, दो चार जने मिलकर भी इसे खा सकें। यहाँ पर मैंने खट्टी चटनी डाली है, मीठी चटनी डाली है, दही डाली है, चाट मसाला डाला है, बारीक सेव डाला है, वापस से चटनी और दही डाली है, हरे धनिए से गार्निश कर दिया है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी चाट बनकर तैयार हुई है। त्योहारों के लिए बहुत ही अमेजिंग चाट है। अब चलते हैं एक और चाट बनाने। इस राखी चटपटी चाइनीज भेल बनाते हैं भाइयों के लिए, जो कि ठेलों में मिलती है। अब बारिश के दिनों में ठेलों पे तो सही मिलेगी नहीं, क्यों ना इसे घर में बनाया जाए। घर में बनाने के लिए चाहिए क्या, वो देख लेते हैं। कुछ ऐसी सब्जियां चाहिए जो अक्सर हमारे घरों में होती हैं। नूडल्स को कैसे बॉईल किया जाता है वो फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने नूडल्स लिए, एक उबलते हुए पानी की कढ़ाई में मैंने नूडल्स को रख कर इसे कवर करके गैस को बंद कर दिया। 10 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे ना, बहुत ही बढ़िया नूडल्स तैयार हो जाएंगे। उबालने से अक्सर चिपचिपे हो जाते हैं, फिर उन्हें पानी में वॉश करना होता है। ऐसा कुछ न करें, बस नूडल्स डालें, नमक डालें, कवर करके गैस बंद कर दें। 10 मिनट बाद आप देखेंगे ना, नूडल्स हैरान हो जाएंगे, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बिना चिपचिपे नूडल्स तैयार हैं। अब इसका पानी हम ड्रेन आउट कर देते हैं। बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं होंगे, बहुत ही परफेक्ट बने हुए होंगे। अब आप इन नूडल्स को कितनी देर भी रखिए वो खराब नहीं होंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और इस तरीके से नूडल्स को बढ़िया सा रख सकते हो आप। एक दिन भी आप रख सकते हो फ्रिज में पहले से ही बना के, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस कवर करके रखना है। अब मेरे तो नूडल्स तैयार हो गए, हम चाइनीज भेल बनाने वाले हैं, तो हमें नूडल्स के साथ क्या करना होगा। एक साइड मैंने कढ़ाई रख दी ऑयल की। हम सारी सब्जियों को लंबा कट कर लेंगे, जो भी आपके पास में है। जैसे तीनों शिमला मिर्च है तो तीनों को काटिए, नहीं तो एक ही शिमला मिर्च को बारीक लंबाई में कट कर लीजिए। गाजर को भी पतली पतली स्लाइस में कट कर लीजिए। अदरक लहसुन अगर खाते हो तो उन्हें यूज कीजिए, नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं। ये सारी तैयारी होने के बाद हम नूडल्स को लेंगे और तेज गैस पर जो कढ़ाई मैंने रखी है गर्म करने के लिए, उसमें हम नूडल्स को फ्राई करेंगे। कैसे फ्राई करेंगे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने नूडल्स को लिया, कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ ऐड नहीं करने हैं, बस एक बंच टाइप बनाकर इसके अंदर सेव की तरह फ्राई करने हैं। थोड़ी देर हमें बिल्कुल नहीं चलाना है, ये अच्छे से जब फ्राई हो जाएंगे तब आराम से हम इसे पलटेंगे। ये देखिए, अब इसे रेड कलर, थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कीजिए। जिस तरीके से नॉर्मल हम भेलपुरी बनाते हैं तो हमें सेव जरूर चाहिए होता है। ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया क्रिस्पी हो गया। अब सारे नूडल्स को इस तरीके से तोड़ दीजिए। क्रिस्पी नूडल्स बनकर तैयार हुए हैं। अब चलते हैं इसकी भेल बनाने। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में एक चम्मच ऑयल डाला है, थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरी मिर्चें डाल रही हूँ। जो भी सब्जियाँ हमने काट के रखी हैं वो लंबी लंबी, वो इसके अंदर डाल देते हैं। तेज गैस पर इनको हमें पकाना होगा। जो भी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ मत समझिए ये नहीं है वो नहीं है, ये सारी चीज़ें इस समय मार्केट में आपको मिल रही हैं। हरी प्याज है तो वो भी डाल दीजिए। अब इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए। ये फटाफट बनने वाली, सबको पसंद आने वाली भेल बहुत ही अमेजिंग लगती है। थोड़ा सा चलाने के बाद गैस से हटा देते हैं। इसमें डालेंगे एक टेबलस्पून टमेटो केचप, एक टेबलस्पून शेजवान सॉस, कुछ बूंदे हमें डालनी है सोया सॉस, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालनी है, नहीं तो कलर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें कटे हुए टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी कच्ची पत्ता गोभी, थोड़ी गाजर, नींबू का रस, इसमें कुल मिला के कुछ कच्ची हैं टोटल सब्जियाँ, कुछ थोड़ी सी पकी हुई हैं, बस ऐसी ही हमें चाहिए जिसमें इसमें क्रंच बना रहे। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा स्वाद अनुसार नमक, नमक हमें लास्ट में डालना है, पहले नहीं डालना है। थोड़ी सी डाल दीजिए काली मिर्चें। अब डाल दीजिए फ्राई किए हुए नूडल्स, ऊपर से गार्निश कर दीजिए हरे धनिए की। लीजिए, तैयार है नूडल्स फिर। इंजॉय कीजिए खुद भी और भाइयों को भी खिलाइए। आप चाहें तो प्याज लहसुन पूरी तरीके से स्किप कर सकते हो। अब चलते हैं एक और चाट बनाने। आलू की मजेदार सी चाट बनेगी, इसे बनाना भी बहुत आसान है और खाने वाला तो बहुत ही खुश होने वाला है। तो चलिए इस चाट को बनाना शुरू करते हैं।
सबसे पहले मुझे चाहिए बॉयल आलू। बनाए कैसे पहले वो देख लेते हैं। एक पैन लिया जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और छिली हुई मूंगफली इसके अंदर डाल दिया मैंने 1 कप। इसे धीमी आंच पर हमें फ्राई करना है। पहले तो हमने रोस्ट किया ही था, उसको छिलका निकालने के लिए वापस से हमें तेल में भी फ्राई करनी पड़ेगी। जब ये बहुत ही क्रिस्पी हो जाए इन्हें निकाल लें। अब इसी ऑयल में हमें बॉयल किए हुए 2 आलू जिन्हें मैंने कट कर लिया है पीसेस में फ्राई करने हैं। यहाँ आप तेज गैस पर इसे अच्छे से फ्राई करें जब तक कि गोल्डन कलर ना आ जाए। ये सारी चाट आप कम तेल में ही बना सकते हैं। आलू जब इस तरीके से लाल हो जाए उन्हें साइड में कर दीजिए और बीच में थोड़ी सी जगह कर दीजिए। इसमें डाल दीजिए बीच में कटी हुई लहसुन। त्योहार में यदि लहसुन नहीं खाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। वैसे ये लहसुन वाली चाट बहुत ही अमेजिंग बनती है। अदरक के टुकड़े उन्हें भी फ्राई कर लीजिए। स्ट्रीट साइड इसी टाइप की चाट मिलती है जो हमें बेहद पसंद आती है। इसमें डाल दीजिए 2 टेबलस्पून टमेटो केचप, 1/2 चम्मच से कम इसमें डाल दीजिए सोया सॉस, बहुत थोड़ा स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, आमचूर पाउडर 1/2 चम्मच, बहुत थोड़ा काला नमक और इन सभी को मिक्स कर दीजिए। आपने आलू की चाट कई टाइप की खाई होगी लेकिन ये चाइनीज स्टाइल चाट बहुत ही गजब की बनती है। इसमें डाल दीजिए हरी मिर्च कटी हुई, बारीक कटा हुआ प्याज, नींबू का रस और गार्निश कर दीजिए हरे धनिए की। इसमें थोड़ी सी डाल दीजिए मीठी चटनी। इसमें दोनों चटनियों का बहुत अमेजिंग स्वाद आएगा। अब इसे चाहे तो आप दोने में सर्व करें टूथपिक के साथ, या फिर जो मूंगफली हमने सेके हैं उसमें प्याज टमाटर सारे मसाले डालकर इसमें भी आलू को सर्व कर सकते हैं। ये चॉइस आपकी है, आप कैसे सर्व करना चाहते हैं। आपको ये चारों चाट कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में पापड़ी भी ऐड कीजिए, बारीक सेव भी ऐड कीजिए। चाट का मजा तो चटनियों के साथ ही है, दही के साथ है और ये बन भी जाती हैं फटाफट और सभी को पसंद भी बहुत आती हैं। तो इन चाट का एंजॉय कीजिए इस त्योहार पर।